हैंड सैनिटाइजर तभी यूज किया जाए जब आपके पास साबुन और पानी की एक्सेस ना हो। हैंड सैनिटाइजर में केमिकल होता है। हैंड सैनिटाइजर से अच्छे बैक्टीरिया और जर्म जो हमारी नॉर्मली हमारी त्वचा पे रहते हैं, नॉर्मल कमेंसल्स जिसे हम डॉक्टर्स कहते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होते हैं शरीर की ताकत और इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, वो भी मर जाते हैं। आप साबुन का इस्तेमाल करें। WHO का जो सिखाया हुआ तरीका है, डॉक्टर्स वे ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स, 40 सेकंड के लिए आपको कम से कम दोनों हाथों की हथेलियों को करना चाहिए, 10 सेकंड बीच के हाथ को करना चाहिए, आपको अपनी उंगलियों के ऊपर से वेब स्पेसेस को करना चाहिए दोनों हाथों के। इसके बाद जो आपकी नाखूनों के नीचे की त्वचा है उसको आपस में थोड़ा रगड़ना चाहिए। आखिरी में आपको अपने अंगूठों को भी करना है। ये सब करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके हाथ धुल गए हैं, मगर उस वक्त आप अपने नलके को बंद नहीं करेंगे। उसी धुले हुए साफ हाथ से आप किसी और वस्तु से या कोनी से प्रेफरेबली करेंगे, तब वो हाथ हैंड वॉशिंग कंप्लीट हुई, जो हमें इस चलते COVID-19 में दिन में 2-3 बारी करनी चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, कहीं बाहर से आते ही, कहीं बाहर जाते वक्त, क्योंकि कोविड के जो वायरसेस हैं वो हमारे माउथ ईयर नोज, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है ये वायरस, तो माउथ ईयर नोज से अंदर जाते हैं और हाथों की बहुत चांसेस होती है कि हमें कहीं टच कर